वेलकम स्टूडेंट्स, अज दी वीडियो दे विच साडा टॉपिक हैगा इस्त्रियां अते सुधार, पाठ 14 जमात 8वीं। इंपॉर्टेंट टॉपिक आ पीएस टेट समाजिक सिक्ख्या दे विच। 19वीं सदी विच जिहड़ी इस्त्रियां दी हालत सी भारतीय समाज विच काफ़ी तरसयोग सी। उस समय भारत में सती प्रथा, लड़कियां दी हत्या, गुलामी, पर्दा प्रथा, विधवा विआह दी मनाही ते बहु विआह आदि कुरीतियां दा प्रचलन सी, जिस नूं खत्म कर ले 19वीं सदी विच धार्मिक ते समाजिक अंदोलन शुरू किते गए। अज असीं इस लैसन दे विच यही चीज़ां पढ़ांगे। पहला तो असं यह देखांगे कि इस्त्रियां दा सुधार करन लई अंदोलना दी लोड़ क्यों पई, किहड़े किहड़े कारण सीगे जिन्हां करके अंदोलन छेड़ने पए। नंबर एक ते हैगा लड़कियां दी हत्या करना, नंबर दो ते हैगा बाल विआह, सती प्रथा, विधवा विआह दी मनाही, पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा, इस्त्रियां नूं अनपढ़ रखना, हिंदू समाज में इस्त्रियों को जायदाद का अधिकार ना देना। तो ये कारण सीगे जिन्हां करके जड़े समाज सुधारक ने उन्होंने अंदोलन छेड़े। इस तो इलावा बहुत सारे समाज सुधारकों ने इस्त्रियों की हालत सुधारने लई हेठ लिखे कारण करके भी विशेष ध्यान दिता। तो ये कारण ने जड़े इन्हां दे विच उन्हां दा ख्याल सी कि इस्त्री जानी आ, कोई भी समाज नारी दी उन्नति तो बिना तरक्की नहीं कर सकता। समाज विच फैलियां बुराइयां नूं दूर करन लई इस्त्री सिक्ख्या देनी जरूरी है। समाज विच फैलियां बुराइयां तां ही दूर हो सकदियां ने जी इस्त्री दी दशा सुधारन लई ठोस कदम चुके जाण। फिर हैगा एक विकसित देश ते समाजिक समाज लई इस्त्रियां नूं समानता दा अधिकार देना जरूरी है। नैक्सट हैगा समाज सुधारक जानते सन कि देश विच इस्त्रियां दी जनसंख्या काफ़ी होण करके देश दी आजादी दी प्राप्ति लई घर ते समाज विच इस्त्री नूं उसदे बणदे हक ते सुतंत्रता दित्ती जावे। शुरू विच संचार दे साधन सीमित होण करके आम लोकां तक समाज सुधारकां दे विचार नहीं पहुँचते सन। आधुनिक काल विच छापेखाने दी खोज नाल किताबां, अखबार, रसाला आदि छपने शुरू हो गए जो सस्ते भी सन। इन्हां राहीं आम भाषा विच अपने विचार प्रगट करके दूसरे दे विचार समझण दा मौका मिलिया। इस तरह राजनीति, समाजिक, धार्मिक ते आर्थिक मुद्दियां ते विचार वटांदरा कीता जा सकदा सी। समाज सुधारकां वल्लों इन्हां राहीं इस्त्री जाति दे सुधार लई कीते जा रहे प्रचार ने भी आम लोकां नूं जागरूक कीता। हुण असीं गल करांगे कि समाज विच इस्त्रियों दे सुधार करन लई योगदान देण वाले प्रमुख सुधारक किहड़े किहड़े सन। नंबर एक राजा राम मोहन राय 1772 तो लैके 1833 तक अते ब्रह्मो समाज। राजा राम मोहन राय 19वीं सदी दे महान समाज सुधारक सन। उन्हां ने इस्त्रियों दी दशा सुधारन लई काफ़ी संघर्ष किए। उन्होंने समाज विचों सती प्रथा खत्म करने प्रचार किया। उन्होंने दलीलों ते यतना के सिटे वजो सरकार ने 1829 ईस्वी विच सती प्रथा दे कानून राही ते कानून राही पाबंदी लगा दी। उन्होंने इस्त्रियों की भलाई लई कई लेख लिखे। उन्होंने बाल विआह, बहु विआह, पर्दा प्रथा की भी निखेधी की, कुड़ियां दी हत्या करन दा विरोध कीता, विधवा विआह दे हक विच सन। उन्होंने इस्त्रियों नूं जद्दी जायदाद विच हिस्सा देण बारे भी प्रचार कीता। वह अंग्रेजी भाषा विच सिक्ख्या देण दे हक विच सन। फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक होर समाज सुधारक सन। उन्होंने लड़कियों नूं पढ़ाउण लई अपने खर्चे ते बंगाल विच लगभग 25 स्कूल स्थापित कीते। उन्होंने 1855 तो 60 तक लगभग 25 विधवावां दे विआह करवाए, बाल विआह दा खंडन कीता। उन्हां दे जतना सदका 1856 ईस्वी विच
हिंदू विधवा विआह कानून आ जिहड़ा ओह पास होया आर्या समाज ते स्वामी दयानंद सरस्वती जी द्वारा किए गए कार्य। स्वामी दयानंद सरस्वती ने बाल विआह का विरोध किया, वो विधवा विआह के हक विच सन। इस्त्रियां दी दशा सुधारन लई उन्होंने विधवा आश्रम स्थापित किए, सती प्रथा ते दहेज प्रथा का खंडन किया, बेसहारा लड़कियां नू सिलाई कढ़ाई के काम लई सिखलाई देण दे बहुत सारे केंद्र स्थापित किए। भारत के वख वख हिस्सों में लड़कियों की सिक्ख्या लई उन्होंने स्कूल स्थापित किए। अगे गल करांगे असीं सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां मुस्लिम समाज का सुधार करना चाहते सन। उन्होंने विचार अनुसार समाज ता ही खुशहाल बन सकता है जे स्त्रियों नू पुरशां दे बराबर का दर्जा मिले। उन्होंने तलाक प्रथा, बाल विआह, परदा प्रथा का खंडन किया। वो समाज विच प्रचलित गुरामी प्रथा नू चंगा नहीं समझते सन। समाज विचलियां बुराइयां नू खत्म करन लई उन्होंने तहजीब उल अलहाक अखलाक नां दा अखबार कढ़िया। सर सैयद अहमद खां धार्मिक सिक्ख्या दे नाल नाल पछमी सिक्ख्या देण दे हक विच वी सन। 1862 विच उन्होंने विज्ञान दे ग्रंथ दा उर्दू विच अनुवाद करन लई साइंटिफिक सोसाइटी अलीगढ़ विखे स्थापना कीती। 1874 विच सर सैयद अहमद खां ने अलीगढ़ विखे मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल स्कूल स्थापित किया। 1878 विच मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज भी खोल दिता। 1920 विच ये कॉलेज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना दिता गया। अगे गल करांगे असीं स्वामी विवेकानंद ते रामाकृष्ण मिशन दी। 1897 विच स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस की याद विच रामाकृष्ण मिशन की स्थापना की। उन्होंने समाज विच प्रचलित बुराइयां जिमें लड़कियां की हत्या करना, बाल विआह, दहेज प्रथा आदि का विरोध किया। इस्त्री सिक्ख्या लई उन्होंने प्रचार किया ते कई स्कूल ते लाइब्रेरियां खोलियां। अगे केशव चंद्र सेन का योगदान। केशव चंद्र सेन ब्रह्मो समाज के एक होर प्रसिद्ध आगू सन। 1857 ईस्वी विच ब्रह्मो समाज विच शामिल होए ते 1860 विच उन्होंने संगत सभा की स्थापना की, जिस विच धर्म संबंधी मामलों बारे विचार वटांदरा हुंदा सी। केशव चंद्र सेन ने इस्त्री सिक्ख्या ते विधवा पुनर्विआह के हक विच प्रचार किया। केशव चंद्र सेन की कोशिश कारण 1872 ईस्वी विच सरकार ने कानून पास करके दूसरे विआह ते पाबंदी लगा दिती। श्रीमती एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की देन। श्रीमती एनी बेसेंट 1886 विच इंग्लैंड दे थियोसॉफिकल सोसाइटी विच शामिल होई। 1893 विच ओह भारत आई। थियोसॉफिकल सोसाइटी के अनेक समाज सुधारक काम भी किए। इसने नीवी जाति के लोगों ते विधवा स्त्रियों की भलाई लई जतन किए। थां थां ते लड़के ते लड़कियां लई स्कूल खोले। 1898 विच बनारस विखे सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया, जिथे हिंदू धर्म के नाल नाल दूजे धर्मां की सिक्ख्या भी दित्ती जांदी सी। पंजाब विच सुधार लहर। पंजाब विच सुधार लहर दे विच असी निरंकारी नामधारी ते सिंह सभा लहर दी गल करांगे। निरंकारी अंदोलन ते बाबा दयाल जी। निरंकारी अंदोलन दे संस्थापक बाबा दयाल जी सन। उन्होंने समाज विच प्रचलित बुराइयां दे विरोध किया। नामधारी अंदोलन अते श्री सतगुर राम सिंह जी। सतगुरु राम सिंह जी ने 12 अप्रैल 1857 नूं भैणी साहब लुधियाणा विखे नामधारी लहर की स्थापना की। उन्होंने समाज विच प्रचलित बुराइयां दा जोरदार विरोध किया। इस्त्रियां दी हालत सुधारन लई उन्होंने प्रचार किया। ब्याह ते कीते जाण समें फजूल खर्चे ते दहेज प्रथा का खंडन किया। 3 जून 1863 ईस्वी नूं उन्होंने ब्याह की एक प्रणाली चलाई जिसनों आनंद विआह का नाम दिता गया।
सिर्फ 125 रुपए विच ब्याह की रस्म पूरी कर दिती जानी चाहिदी है। इस प्रणाली का यह विचार सी। सिंह सभा अंदोलन अक्तूबर 1873 ईस्वी नूं मंजी साहब अमृतसर विखे सिंह सभा लहर की नींह रखी गई। सरदार ठाकर सिंह संधा वालिया इस दे प्रधान ते ज्ञानी ज्ञान सिंह नूं सकत्तर नियुक्त किया गया। देश दे वख-वख हिस्सों विच रहण वाले सिख सिंह सभा दे मैंबर बन सकते सन। 1879 ईस्वी विच लाहौर विखे एक होर सिंह लहर की एक होर शाखा स्थापित की गई। इसका प्रधान प्रोफेसर गुरमुख सिंह नूं बनाया गया। हौली हौली पंजाब विच सारियां सिंह सभावां बहुत सारिया सिंह सभावां स्थापित हो गई। सिंह सभा ने इसत्री सिक्ख्या वल विशेष ध्यान दिता। सिख कन्या महाविद्यालय फिरोजपुर खालसा भुजंग स्कूल कैरो ते विद्या भंडार पसौड़ आदि प्रसिद्ध कन्या विद्यालय सन जो सब तो पहला सिंह सभा अधीन स्थापित होए। फिर अहमदिया लहर 1853 ईस्वी विच मिर्जा गुलाम अहमद ने कादिया जिला गुरदासपुर विखे अहमदिया लहर की नींह रखी। उसने इस्लाम धर्म के झूठे रीति रिवाज अंधविश्वास ते कर्म कांडा दा त्याग करन दा प्रचार कीता। धार्मिक सिक्ख्या दे नाल नाल पछमी सिक्ख्या देण दा समर्थन कीता ते कई स्कूलां कालजां दी स्थापना कीती। महाराष्ट्र द्वारा इस्त्रियां दी दशा सुधारन संबंधी देण परमहंस सभा 19वीं सदी विच महाराष्ट्र के समाज सुधारकों ने समाज विच जागृति लियाउण लई अंदोलन शुरू किए। 1849 ईस्वी विच परमहंस मंडली की स्थापना की गई ते मुंबई विच धार्मिक समाजिक सुधार अंदोलन शुरू किए गए। उन्होंने विधवा स्त्रियों के विधवा स्त्रियों की दशा सुधारन की कोशिश की। 1856 ईस्वी विच सरकार ने विधवा पुनर्विआह का एक्ट पास किया। विधवा स्त्रियों के बच्चों लिए एक जतीम खाना खोलिया। महाराष्ट्र के एक होर प्रसिद्ध समाज सुधारक गोपाल हरी देशमुख सन जेडे कि लोक हितकारी के नाम नाल प्रसिद्ध सन। प्रार्थना समाज 1867 ईस्वी विच महाराष्ट्र विच प्रार्थना समाज की स्थापना की गई। महादेव गोविंद रानाडे ते रामकृष्ण गोपाल भंडारकर इस समाज के प्रसिद्ध आगू सन। उन्होंने कई संस्थावां ते अनाथ आश्रम खोले। उन्होंने जतना सदका 1884 विच दक्कन सिक्ख्या सुसायटी की स्थापना की गई जिथे पूना विखे दक्कन कॉलेज की स्थापना की गई। हुण असीं गल करांगे सुधार अंदोलना के प्रभाव की। 1795 ईस्वी ते 1804 ईस्वी विच कानून पास करके कन्या हत्या ते पाबंदी लगा दित्ती गई। 1829 विच लार्ड विलियम बेंटिक ने कानून राही सती प्रथा ते पाबंदी लगा दित्ती। सरकार ने 1843 ईस्वी विच एक कानून पास करके भारत विच दास प्रथा खत्म कर दित्ती। बंगाल दे महान समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर दे जतना नाल 1856 विच विधवा पुनर्विआह नूं कानून द्वारा मानता दित्ती गई। सरकार ने 1860 ईस्वी विच एक कानून पास करके लड़कियां लई ब्याह दी उम्र घट तो घट 10 साल निश्चित की। 1929 विच शारदा एक्ट अनुसार लड़कियां दे ब्याह दी उम्र घटो घट 16 साल ते लड़कियां दे ब्याह दी उम्र 14 साल निश्चित की गई। 1872 ईस्वी विच सरकार ने एक कानून पास करके अंतर जाति ब्याह करवाउण नूं प्रवानगी दित्ती। 1854 विच वुड्ज डिस्पैच विच इस्त्रियां दी सिक्ख्या ते जोर दित्ता गया। इह जिहड़े मेन सुधार होए। याद रखण योग गल्लां दे विच असीं जो इस लैसन दे विच कीता है उह आ की सुधार होए ने ये पॉइंट ने तुसी शॉर्ट दे विच इन्हां नूं देख सकदे हो। अगे अभ्यास दे क्वेश्चन इत्थों शॉर्ट नोट्स जिहड़े तुहाडे निकलणगे। अज्ज दी वीडियो दे विच इन्ना ही। नैक्सट टॉपिक नाल मिलदे हां अगली वीडियो दे विच।
ओके थैंक्स।